and welcome everyone to my YouTube channel Ayurveda at Ease. This is Dr. Chandrika Singh और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे. तो आज की जो हमारी वीडियो है, इट इज़ काइंड ऑफ अ व्लॉग वीडियो जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हॉस्टल रूम. मैं स्टूडेंट हूँ वैद्य गदत शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय खुर्जा की. तो यहाँ पे किस तरह से हमारा हॉस्टल है या किस तरह के हमारे रूम्स हैं, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी. सो दिस इज़ आवर हॉस्टल एंट्रेंस है ये. अभी थोड़ा डरावना लग रहा है, बट इतना डरावना है नहीं, जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा. ये वैसे आंवले का पेड़ है, अभी सूखा हुआ है ये, बट आने वाले टाइम में जब इस पर आंवले तो बहुत सुंदर लगता है ये. इधर से हम कॉलेज की साइड से आते हैं एंड तो चलिए चलते हैं. ये हमारा मेस है. ये हमारी जो केयर टेकर हैं उनकी चेयर है, यहाँ पे नॉर्मली वो बैठती हैं और अपनी एंट्री हमारी होती है सभी की. ये रूम्स हैं 21 बैच के स्टूडेंट्स के लिए. दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ आर हॉस्टल. तो ये रूम्स रेडी हो चुके हैं, इन्हें खोल के देखेंगे हम थोड़ी देर के बाद. सी इस वाले फ्लोर पे पूरी तरह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं जो भी नए आते हैं, फिर जो पुराना बैच होता है उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. ये हमारा जीना है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी, बट बंद है इधर से. तो चलते हैं ऊपर. तो अब हम जा रहे हैं ऊपर. मेरा रूम थर्ड फ्लोर पे है जो कि काफ़ी ऊपर है. ऊपर पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, बट ये भी है कि एक तरह से एक्सरसाइज हो जाती है. यू नो, अगर आपने दिन के चार चक्कर भी ऊपर से नीचे लगा लिए तो आप बिल्कुल फैट फ्री रहेंगे और बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है. यू नो, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बट ये सब थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट हाँ थोड़ी थोड़ी. तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे भी दोनों साइड से एंट्रेंस है, बट ये वाली साइड बंद है एंड जो दूसरी साइड है वो खुली हुई है. वहीं से हम लोग आए हैं अभी अभी, थोड़ा डरावना भी है. ये हॉस्टल की दूसरी वाली छत है जो कि अभी अनकंस्ट्रक्टेड है, बट अगर नीड है तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है रूम्स का. तो यस, इसके बाद हम चलते हैं हमारे कॉरिडोर की साइड जहाँ पे हमारे रूम्स हैं. तो ये हमारा कॉरिडोर है हॉस्टल का, इसमें पहला रूम मेरा ही है ये वाला. तो चलिए अब चलते हैं रूम के अंदर. सो दिस इज़ माई रूम जहाँ पे आपको एंटर होते ही सबसे पहले मिलेगी एक स्टडी टेबल जो मैं घर से लेके आई थी. स्टडी टेबल यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई थी बट वो थोड़ी छोटी थी एंड एज़ यू कैन सी मेरे पास बहुत सारी बुक्स कलेक्ट हो गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इन्हें रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मुझे घर से टेबल लानी पड़ी. सो येस, दिस इज़ माई स्टडी टेबल जहाँ मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ. दिस इज़ अ हैंड सैनिटाइज़र जिससे कि रूम में एंटर होते सबसे पहले आप अपने हैंड सैनिटाइज कर सकें. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ माई स्टडी चेयर जिसके ऊपर मैंने अपना एप्रन रखा हुआ है, यू नो, जिससे उस पर रिंकल्स ना आए. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हेयर देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लाइक पेपर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. देन चरक, उसके नीचे फार्मा एंड देन एक्स्ट्रा रजिस्टर्स. देन देयर आर अदर बुक्स सेकेंड ईयर से रिलेटेड, कुछ थर्ड ईयर की भी हैं वैसे. दीज आर ऑल्सो सम एक्स्ट्रा बुक्स, नॉट एक्स्ट्रा यू कैन से बट येस. एंड विद देम देयर आर माई नोट्स एंड दे आर ऑल्सो माई बुक्स, वो थर्ड ईयर की हैं. सो दिस विंडो इज़ बेसिकली कवर्ड बाई प्लास्टिक फॉइल यू कैन से, क्योंकि कर्टेंस लगाना थोड़ा ओवर हो जाता, बट मैं ये भी नहीं चाहती एट द सेम टाइम कि कोई बाहर से मेरे रूम के अंदर देख सके, कोई भी नहीं चाहेगा. तो येस, इसलिए मैंने ये चिपका दिए थे. एंड दिस इज़ माई स्टेथोस्कोप एंड माई आई कार्ड. कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं बहुत जल्दी से, ये वो सब मैंने लगा रखा है या पेस्ट कर रखा है. एंड मैंने कुछ फेरी लाइट्स का यूज़ करने की कोशिश की थी बट आज तक मैंने कभी जलाई नहीं है. ये जब से लगी हैं बेचारी ऐसे बंद ही रही हैं, कभी जली नहीं है ये आज तक, क्योंकि
पता नहीं, बस मेरा कभी मन नहीं किया ने चलाने का, लगा ली थी डेकोरेशन के लिए. एंड दिस इज़ माई लगेज, यू कैन से, जो पैकिंग के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है. दीज आर सम एक्स्ट्रा बुक्स. ये अलग अलग बच्चों से आई हुई बुक्स हैं, जो कभी किसी ने दे दी, रख लो थोड़ी देर के लिए, फिर ले लेंगे, बट कभी ली नहीं किसी ने वापस. तो ये वो वाली बुक्स हैं, इन्हें भी मैं वापस करने जाऊंगी. एक दो दिन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा अभी, बट श्योरली आई विल गो. एंड दिस इज़ माई बेड. ये हमें हॉस्टल में ही मिला था. दिस इज़ द स्मॉल टेबल यू कैन सी, जो बेड पे बैठ के पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है. पढ़ ही रही थी मैं अभी थोड़ी देर पहले, यू नो. एंड दिस इज़ माई टेडी, इसका नाम है पूडल. ये पूरे दिन मेरे कमरे में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं है बेचारे को. तो यस, दिस इज़ द पोर्शन यू कैन सी. उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है रूम का, वो है ये. हाँ, बहुत सारा सामान, बहुत सारा सामान. तो ये सारी अलमीरा हमें यहीं पे बनी बनाई, जैसे आप देख सकते हैं, मिली है रूम में, बट दे आर नॉट कवर्ड. तो सारा सामान ऐसे दिखता रहता है जो भी रखा है यहाँ पे. ऑल्सो ये जो छोटी सी टेबल है, ये मुझे यहीं पे मिली थी. ये मैं बेसिकली किचन पोर्शन की तरह यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मैं अपने कुछ कॉफ़ी वगैरह बनाने का सिस्टम या पानी या ये सारी चीज़ें रख सकती हूँ. एंड उसके बाद दिस कूलर, ये भी हम लोग घर से लेके आए थे, सभी लोग लेके आए हैं बेसिकली, क्योंकि गर्मी बहुत होती है यहाँ पे. एंड उसके ऊपर मेरा छोटा छोटा सामान, बहुत सारा, क्योंकि बाथरूम यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ भी सामान रख सको, तो सारा सामान आपको यहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है. एंड उसके बाद द नेक्स्ट पोर्शन इसमें बालकनी. बट बालकनी से पहले देयर इज़ बाथरूम. दिस इज़ द बाथरूम. हमारे हॉस्टल की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक अटैच्ड बाथरूम मिला है, जो नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं मिलता. तो दिस इज़ माई बाथरूम. यू कैन सी इट इज़ गुड, मतलब अच्छा है एक स्टूडेंट या हॉस्टल के पर्पज़ से आप कह सकते हैं. सो यस, दिस इज़ इट. इसके बाद आई शो यू द व्यू ऑफ बालकनी, जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा हुआ, बट दैट वॉज द मॉर्निंग व्यू. एंड अभी शायद दोपहर के बज रहे हैं 2, तो दोपहर के टाइम में कुछ ऐसा दिखाई देता है. ये सामने हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल है. एंड देयर इज़ द मंदिर. और जो वाइट बिल्डिंग है इसके पीछे, वो हमारी कॉलेज बिल्डिंग है. एंड देन जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो हमारे कॉलेज का एंट्रेंस गेट है. एंड दैट इज़ द हाईवे, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक आउटर में स्थित है, लाइक सिटी से बहुत दूर. तो आप हाईवे भी देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये मेरा छोटा सा रूम था, जैसा कि अभी आपने देखा. इट्स नॉट अ ह्यूज प्लेस, बट हाँ, डेफिनेटली जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं मेरे लिए, जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं. एंड पढ़ाई के अकॉर्डिंग, आप अकेले रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो पाती है, अकेले में कंसंट्रेशन बेटर हो पाता है. तो दैट्स वाई आई लिव अलोन इन अ सिंगल सीटर रूम. बाकी आपको मेरा कमरा कैसा लगा, डू कमेंट्स अबाउट इट. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड फ्यूचर में आई विल ट्राई कि मैं हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड लेक्चर वीडियोज़ वगैरह भी ला पाऊँ. उसके लिए मैं तैयारी अभी कर रही हूँ. डेफिनेटली वो वीडियोज़ भी बहुत जल्द आने वाली हैं. एंड आई होप यू गाइज लाइक टूडेज वीडियो. सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, बाय बाय.